हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेसो पोस्ट के बारे में। तो जेसो पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी नॉर्मल एस्पिरेंट्स की क्वेरी होती हैं वो आज हमने सारी कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो जेसो पोस्ट के लिए जो टॉपिक कवर होंगे वो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद इसके सब टॉपिक हैं, प्रोसेस कैसा होगा, ट्रेनिंग फेज, पोस्टिंग, वर्क प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, सारी चीज़ें हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम है जेसो का, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, इसमें आपके 4 टीयर्स होते हैं। उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं वो टीयर 3 तक नॉर्मलाइज स्कोर ऐड होंगे। और इसका जो फॉर्म का फिल का क्राइटेरिया है वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होता है। और जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है, और बाकी फीमेल कैंडिडेट्स या फिर अदर कैटेगरी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल फीस नहीं लगेगी, फ्री है। जो इसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास इस तरीके से है कि या तो आपके पास 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। अगर आपका मान लीजिए सब्जेक्ट नहीं रहा है मैथ्स 12th में मैथ्स का, फिर आपको बैचलर डिग्री में आपके पास स्टैटिक्स का सब्जेक्ट होना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस रिक्वायरमेंट को आप फिलफिल कर लो या फिर इसको, दोनों में से किसी एक का भी क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हो तो आप ये एग्जाम भर सकते हो। ठीक है, एज लिमिट इसकी जो है वो 32 ईयर्स है। ठीक है, और जो स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट है उसके लिए 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपको इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का, एससीएसटी को 5 ईयर्स का, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं सीजीएल एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले आपके पास प्री एग्जाम होगा। ठीक है, ये आपका पास प्री होता है। प्री में क्या होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पास और वो 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और टाइम आपके पास कितना रहेगा, 1 घंटा। 1 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो 4 सेक्शन होंगे। यहाँ पर एक चीज और बता दूं, यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपके पास 4 सेक्शन है, जीए, सॉरी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश का। आपके जब प्री रॉ कट ऑफ आएगा, क्योंकि होता क्या है कि करीब 30 लाख एस्पिरेंट्स होते हैं जो इस एग्जाम को भरते हैं, और उनका एग्जाम एक दिन में कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे मतलब शिफ्ट में पेपर होता है, करीब 30-40 शिफ्ट में पेपर होता है, तो वहां पर ना वेरिएशंस बहुत सारे होते हैं। किसी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन, इजी पेपर आ गया, किसी में हार्ड आ गया, तो वहां पर फिर इस पार्शियलिटी ना हो इस वजह से एसएससी ने इंट्रोड्यूस किया है नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले आपके पास रॉ कट ऑफ आएगी, फिर 1 महीने या 20 दिन बाद आपके पास नॉर्मलाइज मार्क्स आएगा। जो नॉर्मलाइज मार्क्स होता है वो आपका फाइनल मार्क, फाइनल कट ऑफ होती है प्री की। ठीक है, तो आप प्री अगर आपकी कट ऑफ क्लियर है फिर आप मेंस के एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। तो मेंस का एग्जाम का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, यहाँ पर आपके पास दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। एक पहला होगा मैथ्स का और दूसरा होगा इंग्लिश। ये जो दोनों पेपर है ना वो आपको एक सेम डे मतलब आपको उसी दिन आपको देने होंगे। ठीक है, तो मैथ्स का जो पेपर होता है वो 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का, और टाइम कितना होगा, 2 घंटा। सेम इंग्लिश में भी, बस इंग्लिश में क्या होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और मैथ में 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। फिर बात करते हैं पेपर 3 जो कि स्टैटिक्स का होता है, ये होगा आपका अगले दिन या फिर दूसरे दिन। ठीक है, मतलब आपका जब ये मैथ्स और इंग्लिश का पेपर हो जाएगा उसके अगले दिन या उसके अगले के अगले दिन आपका पेपर 3 लिया जाएगा। उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, तो 200 क्वेश्चन का हमारा टोटल बन जाएगा। तो यहां बात करें अगर हम प्री गई तो प्री हमारा था 200 नंबर का और मेंस टोटल हो गया हमारे कितना, 600 का। तो टोटल ओवरऑल कितना हुआ, 800 का हमारे पास कट ऑफ निकलेगा। फिर 800 का कट ऑफ क्लियर अगर हमने कर लिया फिर हम पेपर देंगे टीयर 3। ठीक है, तो टीयर 3 में क्या होगा, पेन पेपर मोड में पेपर होगा और ऑनलाइन होगा नहीं। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं, ऑफलाइन आपको दिया जाएगा, एक पेपर मतलब एक कॉपी दी जाएगी उसमें आपको लिखना होगा। तो वहां पर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश का, वहां पर आपसे ऐसे एप्लीकेशन लेटर प्रेसी ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो टोटल जो मार्क्स है वो 100 है और टाइम आपके पास 1 घंटा है। और इसका जो कट ऑफ है, इसमें आपका कट ऑफ 33% आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब 33 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 33% से भी नीचे कम है तो आपके भले ही प्री मेन से बहुत अच्छे नंबर हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे यहीं से, तो इस बात का ध्यान रखिए। वैसे नॉर्मली होता नहीं है, मतलब आसानी से आ जाते हैं, मतलब 1-2% बच्चे होते हैं जो यहाँ पर भी फेल हो जाते हैं, लेकिन सभी पास कर लिए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, जो मार्क्स होते हैं वो टीयर 3 तक ऐड होते हैं, वो तो आपको बता दिया गया है नॉर्मलाइज मार्क्स। और आपको हर टायर क्वालिफाई करना होगा नेक्स्ट टायर में बैठने के लिए, ठीक है? तो जो टोटल मार्क्स था, जैसे मैंने बताया, ये जो 200 है ये हमारा प्री है, ये हमारे पास है हमारे पास मेंस, ये हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव, और ये हमारे पास है स्टैटिक्स का पेपर, ठीक है? इन सारे सारे नंबर को अगर एड अप करें तो हमारा 900 का टोटल होता है। अब इस 900 में जिसने भी, मतलब जो भी ओवरऑल कट ऑफ आई है, लेट से मान लीजिए 600 कट ऑफ आई है फॉर द पोस्ट ऑफ JSO के लिए, तो जिस बंदे की भी 600 के ऊपर होंगे, 900 में, वो सेलेक्ट हो जाएगा JSO के लिए, ठीक है? और जो टीयर 3 होगा उसको क्लियर करने के बाद आपका टीयर 4 भी होगा, वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और CPT होगी, टाइपिंग टेस्ट होंगे। लेकिन JSO पोस्ट के लिए ना ही आपको टाइपिंग पास करना कंपलसरी है, ना ही CPT पास करना, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, दैट्स इट। तो फाइनल सिलेक्शन अगर यही है कि आफ्टर क्वालिफाइंग ऑल द टीयर्स एंड इफ योर मार्क्स इज अबव द फाइनल कट ऑफ ऑफ JSO, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड एज अ JSO। सो अब बात करते हैं हम लोग क्वेरीज की, ठीक है? कि सिलेक्शन तो हो गया लोगों का, अब बैठे हैं, अब कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो वो होगा हमारा ईमेल के द्वारा। ईमेल के द्वारा आपका within 2 or 3 months में आपको ईमेल भेजा जाएगा। उस मेल में क्या होगा, आपको गवर्नमेंट की तरफ से अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल फॉर्म और एक जोन प्रेफरेंस फॉर्म आपको भेजा जाएगा, उसको आपको फिल करना है और फिल करके आपको वापस उसी एड्रेस में भेजना है। तो जब आपका स्टेट एलोकेशन डन हो जाएगा मेडिकल के बाद, उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल प्रोसेस आपको 2 तरीके से होता है। देखो, जो बंदे दिल्ली के हैं, ठीक है, उनका क्या होगा कि उनको ना DOPT के द्वारा वो लिया जाएगा, आपको RML हॉस्पिटल या लेडी हार्डिनेज हॉस्पिटल आपको जाना होगा, वहां से आपको मेडिकल करवाना होगा। जो ये RML हॉस्पिटल है ना, ये सिर्फ बॉयज के लिए है, और जो ये लेडी हार्डिनेज है यहाँ पर गर्ल्स के लिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फॉर नॉन दिल्ली कैंडिडेट इट हैज टू बी डन बाई हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम हिज हर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब जो दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं वो लोग खुद ही, मतलब अपना मेडिकल किसी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। आप CMO के पास, मतलब CMO से वेरीफाई कराएंगे, है ना, काउंटर साइन लेंगे CMHSO से, मतलब चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर से, या फिर उसकी इक्विवेलेंट रैंक ऑफिसर से आप काउंटर साइन कराएंगे। फिर आपको वो जो मेडिकल आपका है वो आप फिर आप गवर्नमेंट उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको भेजना होगा। और यहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल क्वालिफाई मेडिकल, मेडिकल टेस्ट बहुत आसान होता है, ठीक है, नॉर्मल चेकअप वगैरह होता है तो सभी लोग पास कर लेते हैं। उसके बाद आता है पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? कैंडिडेट नीड नॉट डू एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं करना है, वो लोग खुद आपका पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे। आपको बस, मतलब ये नहीं सोचना है कि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, इसके बारे में आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। तो ऑफिस और कॉन्फिडेंशियल सेक्शन सेंड रिक्वेस्ट टू पुलिस अथॉरिटी फॉर वेरिफिकेशन डन बाई लोकल पुलिस स्टेशन वेयर द कैंडिडेट रिसाइड। द सेम प्रोसेस इज फॉलोड बाई मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। एंड नेक्स्ट इज ट्रेनिंग फेज। यस, तो ट्रेनिंग फेज में क्या होगा कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको 3 वीक के लिए आपकी ट्रेनिंग होगी, और उसका जो वेन्यू है वो ग्रेटर नोएडा एंड डिफरेंट जोनल ऑफिस, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कई सारे जोनल ऑफिस हैं वहां पर आपको, या फिर ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में क्या है आपका, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, मतलब ये हमारा है ऑफिस, हेड ऑफिस है वहां पर, या फिर जोनल ऑफिस में आपका ट्रेनिंग होगी।
आपका जो एग्जाम होता है वो ट्रेनिंग पीरियड में नहीं होता है। एकोमोडेशन एंड फूड आर फैसिलिटेड बाय डिपार्टमेंट, तो रहने खाने की जो व्यवस्था है वो डिपार्टमेंट खुद मतलब करेगी, आपको अपनी तरफ से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग पीरियड इज एंजॉयबल एंड सैलरी एंड लीव ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आपको जो सैलरी है वो फुल मिलेगी विद एचआरए ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, और छुट्टी आप नहीं ले सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड में, मतलब एक बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में आप ले सकते हो, वो भी सीएल। ठीक है, तो आपको एक साल में 8 सीएल मिलती है, 2 आरएच मिलते हैं, 30 ईएल और 20 एचपीएल, तो टोटल देखा जाए तो वही करीब 60 60 डेज की आपको लीव मिलती है, और सैटरडे संडे तो अलग से, ठीक है वो तो अलग हो गए। यहाँ पर एक चीज और बता दूँ एडिशनल, यहाँ पे जो 20 एचपीएल है ना, इनको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसको मतलब आप जैसे 20 दिन के लिए घर गए, ठीक है, तो आपने 20 डे का हाफ पे लीव दे दिया, तो एक तरीके से तो नॉर्मल केस में आप बिल्कुल दे सकते हैं। दूसरा केस है आप यहाँ पे क्या होगी, आपकी सैलरी जो होगी ना बेसिक का हाफ, बाकी जो अलाउंसेस है वो मिलेंगे, डीएटीए मिलेगा, लेकिन आपका जो बेसिक है उसका हाफ मिलेगा। दूसरा है आप कम्यूट भी करा सकते हो, मतलब आप अगर 10 दिन के लिए घर जा रहे हो तो आप 20 दिन का एचपीएल दे दो, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि आपको ना उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा, मतलब आप मेडिकल ग्राउंड पे आप मतलब लीव ले रहे हो कम्यूट कराने के लिए, तो वहां पर आप एचपीएल का यूज दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्लाइड में, पोस्टिंग एंड ट्रांसफर। तो इसकी जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया है, तो मतलब आपके पास हायर चांसेस हैं कि आपको होम पोस्टिंग मिल जाए, तो और वो भी 2 साल, आपको 2 साल ना कंप्लीट करने पड़ेंगे सर्विस, उसी उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। सो यू मे गेट म्यूचुअल ट्रांसफर टू अदर जोन। पोस्टिंग पोस्टिंग आपकी दो तरीके से होती है, एक होती है नॉन फील्ड ऑपरेटिंग डिवीजन और एक होती है एफओडी यानी कि फील्ड ऑपरेटिंग डिवीजन। जो नॉन फील्ड ऑपरेटिंग डिवीजन है ना, इसके इसके मिलने के चांसेस आपको ना मतलब वही है कि 100 में से 5% लोगों को मिलता है, ठीक है, और वो भी रैंक के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, या फिर मतलब रैंडमली मतलब भी देख सकते हैं वो लोग। तो जो नॉन फील्ड ऑपरेटिंग डिवीजन है जैसे दिल्ली, नागपुर, जयपुर, कोलकाता, ये सब मैक्सिमम पोस्ट आर इन दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर हेडक्वार्टर है, यहाँ पर जितना भी डाटा नॉन एफओडी वाले जो जेएसओ होते हैं वो कलेक्ट करके एफओडी हेडक्वार्टर्स में देते हैं, वो फिर कलेक्ट करते हैं पूरा मतलब तैयार करते हैं डाटा, और फिर वो डाटा क्या होता है फिर गवर्नमेंट को देते हैं, फिर कोई भी अगर स्कीम वगैरह गवर्नमेंट को निकालनी होती है तो इन्हीं की मदद से वो लोग स्कीम निकालते हैं। फील्ड ऑपरेटिंग डिवीजन एनी वेयर इन इंडिया बट इन स्टेट यू विल गेट सिटी अल्फाबेटिकली। इसमें मतलब क्या है कि जैसे आपकी आपकी रैंक बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी रैंक मतलब अगर जेएसओ टोटल अगर 300 लोग सेलेक्ट हुए हैं जेएसओ के लिए तो आपकी रैंक टॉप 10 है, ठीक है, तो टॉप 10 में होगा क्या कि अगर आपको सिटी अगर देंगे ना तो वो अल्फाबेटिकली देंगे, मतलब पहले आपको ए दिया जाएगा, फिर आपको बी दिया जाएगा, फिर सी दिया जाएगा, ऐसे करके मतलब जो भी सिटी के ऑर्डर है ये दे सकते हैं। तो मान लो अगर कोई जेड सिटी है जिसका नाम ए से स्टार्ट है तो वो टॉप वाले को ए वाला मतलब जेड सिटी मिल जाएगी वाई सिटी की जगह, तो ये थोड़ा सा मतलब लक फैक्टर है यहाँ पर, वो आप लोग बाद में समझ जाएंगे। दूसरा था वर्क प्रोफाइल एंड वर्क कल्चर, तो थोड़ा सा हैक्टिक है इसमें, मतलब 5 दिन वर्किंग डे होता है ये तो कहने की बात है उनके लिए जो मतलब फील्ड का है, डेस्क वालों को तो 5 दिन का है, लेकिन फील्ड वालों को क्या है ना, जब तक वो फील्ड में है ना तो उनको सैटरडे संडे कुछ नहीं करना पड़ेगा उनको काम, ठीक है, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो ऑफिस टाइमिंग होती है ये 9:30 to 6, ये नॉर्मली मतलब डेस्क जॉब के लिए है। बायोमेट्रिक इज नेसेसरी व्हेन कैंडिडेट आर इन ऑफिस। ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो नॉर्मल होता है, कुछ खास नहीं। पब्लिक डीलिंग में भी डन इन फील्ड। अब पब्लिक डीलिंग डेस्क जॉब में तो नहीं होगी ना, फील्ड जॉब में होगी, क्योंकि फील्ड वालों को क्या होता है कि टाउन में रूलर सब जगह जाना होता है, तो वहां पर लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, फिर उनसे डाटा निकलवाना पड़ता है, तो सारी चीजें पब्लिक डीलिंग में भी डन इन फील्ड एंड फील्ड जॉब एंड डेस्क जॉब। तो यहाँ पर क्या होता है, टास्क असाइन इन फील्ड जॉब, जो हमें टास्क मिलता है फील्ड वालों को, उनको क्या होता है 3 4 घंटे का मतलब दिन में 3 4 घंटे का काम होता है, क्योंकि टेम्परेचर 45 से भी ऊपर है, बारिश हो रही है, गर्मी है, ठंडी है, कहीं मतलब कुछ भी हो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कलेक्टिंग डाटा एंड डील विद पब्लिक एंड कॉपरेट विद देम।
सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन अर्बन एंड रूरल दोनों यहाँ पर होता है, अर्बन फ्रेम स्कीम, रूरल प्राइस करेक्शन, ये सारी चीजें हमें कलेक्ट करनी है। नॉर्मली क्या होता है, मतलब महीने में करीब करीब 25, हाँ मतलब पूरे दिन 20 से 22 दिन आपको मतलब मिलते ही है, तो 20 से 22 दिन आपको फील्ड में रहना है, और फील्ड में रह करके ये सारी चीजें हमें सर्वे करनी है, इनके बारे में जो इनपुट है वो लेना है। यू हैव टू गो डोर टू डोर और शॉप टू शॉप फॉर डाटा कलेक्शन एंड यू हैव टू डील विद पब्लिक एंड शॉपकीपर्स। तो थोड़ी सी मतलब टफ जॉब है, स्पेशली मतलब लड़कियों के लिए, उनके लिए तो थोड़ा सा टफ हो जाता है फील्ड जॉब। टास्क असाइन एंड डेस्क जॉब, इसमें आपको नोटिंग करनी पड़ेगी, ड्राफ्टिंग, RTI, ई ऑफिस वर्क, इंस्टीट्यूशनल क्वेरीज एंड देयर सोल्यूशन, रनिंग स्कीम, ये सारे आपको चीजें कलेक्ट करके फीड करना पड़ेगा डाटा कंप्यूटर में। उसके बाद आते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस। तो सैलरी आपको पता है कि लेवल 6 है और ये ग्रुप B पोस्ट है, तो 4200 GP के हिसाब से पे मैट्रिक्स हमारा जो नया चेंज हुआ है वो GP हटा दिया गया, अब लेवल आ गए हैं, तो लेवल 6 हमारे ये JSO पोस्ट के लिए एलिजिबल है हम लोग। तो इसका जो बेसिक है वही करीब 35,400 इसका स्टार्टिंग बेसिक है। इस पे आपको DA भी मिलेगा, HRA भी मिलेगा। HRA डिफर करता है डिपेंड ऑन द सिटी, अगर आप एक्स सिटी में हैं तो ज़्यादा मिलेगा, वाई सिटी में कम, जेड सिटी में सबसे कम। और जो एक्स सिटी है वो कैसे पहचानते हैं, मतलब हम लोग जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी जितनी भी हैं वो हमारी बिलोंग करती हैं एक्स सिटी में, जिनकी मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। वाई सिटी फिर थोड़ा सा टाउन टाइप का आ जाएगा, मतलब थोड़े से शहर हैं लेकिन उनसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं आते। फिर जेड आता है हमारा टाउन टाइप का, अर्बन मतलब बहुत छोटी जनसंख्या वाला जो शहर है वहां पर जेड, तो वहां पर जो एचआरए होता है सबसे कम होता है। जो मेन सैलरी होता है, मेन सैलरी में हमारा जो डिफर करता है एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में, वो होता है TA और HRA। DA तो सेम होता है, ठीक है, तो TA और HRA में हमारा डिफरेंस होता है। तो हमारे जो नॉर्मली मान लीजिए अगर हम एक्स सिटी की बात करें, ठीक है, तो एक्स सिटी अगर हमारी ग्रॉस हमारी जो इनकम है एक्स सिटी में वो हमारी इतनी बनेगी, ठीक है, तो अच्छी खासी हैंडसम सैलरी है आपको इन हैंड, वही करीब 48-49 के आसपास मिल जाएगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा TA भी मिलेगा अगर आप 8 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हो दूर, ठीक है, तो ₹280 मिलेगा, और 60 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हो तो ₹800 आपको TA भी एक्स्ट्रा मिलेगा। TA डिपेंड ऑन RO एंड SRO ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शंस। प्रमोशनल एक्सपेक्ट एंड डिपार्टमेंटल एग्जाम, देखो यहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्जाम तो भैया है नहीं, ठीक है, तो और दूसरी बात यहाँ पर जो सीनियरिटी रहती है वो आपके सीजल के मार्क्स पे डिपेंड करता है। मान लो JSO पे 300 लड़के सेलेक्ट हुए तो 300 में जो नंबर 1 पे होगा उसको पहले मतलब प्रियोरिटी दी जाएगी, अगर वैकेंसी खाली होगी तो सबसे पहले वो प्रमोशन लेगा सबसे पहले, तो वो हमारा सीनियरिटी बेस्ड सीजल मार्क्स पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो एक भी नहीं है, मतलब आपके वही है कि आपको बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि जो हमारा जो सीनियर स्टेटिस्टिकल जो ऑफिसर है वो जब प्रमोशन लेगा तब उसकी वैकेंट सीट होगी ना, तब आप एप्लीकेबल होगे, वो तो बता ही दिया। प्रमोशन एंड लैडर, प्रमोशन डिपेंड ऑन अवेलेबल वैकेंसीज, नो डिपार्टमेंटल एग्जाम, सो कैंडिडेट हैज टू वेट फॉर हिज टर्न, प्रमोशनल लैडर इज प्रोवाइडेड इन द बिलो टेबल। तो सबसे पहले आप 4200 GP के लिए आप बनेंगे जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, फिर इसके बाद आपको कम से कम 7 साल या 7 साल से ज्यादा भी लग सकते हैं 4600 GP के लिए, ठीक है, फिर आप बनेंगे सीनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर। उसके फिर आप 13 से 20 साल देख रहे हैं, मतलब आपका रिटायरमेंट यही इसी में खत्म हो जाएगा, मतलब आप मैक्सिमम 2 ले सकते हो प्रमोशन, ठीक है, यहां तक तो सोचो ही नहीं, मतलब ये डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर ये सब तो नहीं बन सकते। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो प्रमोशन का जो ग्रोथ है वो बहुत कम है, ठीक है, वो क्योंकि इसका मेन रीजन है ना डिपार्टमेंटल एग्जाम ही नहीं है, सबसे बड़ा रीजन तो यही है, तो आपको मतलब वेट करना पड़ेगा, वैकेंसी अगर खाली होगी तभी आप मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। दूसरी बात क्वार्टर्स, हाँ तो क्वार्टर्स आपके डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं, मतलब मान लो दिल्ली में है तो आपको मतलब मिल जाएगा, लेकिन आपको ना उसके लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग ऑलरेडी होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं, और आप अदर स्टेट में आपको मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा अगर आप
मतलब एक्स सिटी में है या फिर वाई सिटी में, प्रॉब्लम आती है ना जेड सिटी में थोड़ी। जेड सिटी में क्या होता है मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह मतलब अवेलेबल नहीं रहते हैं कहीं कहीं, और जो जिन जिन भी क्वार्टर्स की जो कंडीशंस होती है वो मतलब अच्छी होती है, और डिस्टेंस ऑफ क्वार्टर फ्रॉम द ऑफिस डिपेंड ऑन द बोथ द लोकेशन ऑफ क्वार्टर एंड ऑफिस। फिर इसके बाद करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस। तो हमने क्या किया है कि ये जो डाटा इनपुट कलेक्ट करने की कोशिश की है वो किसी जेन्युइन कैंडिडेट से हमने ली है, तो उनका नाम हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है जॉब का वो 2 साल 3 महीने का है। उनसे ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, और उन्होंने इसको अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने इसका जवाब दिया है। तो जो उन्होंने पहला रीजन था ये, इज देयर अ गैप बिटवीन योर इमेजिनेशन ऑफ दिस जॉब वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एंड आफ्टर गेटिंग जॉब। मतलब होता क्या है ना, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इस जॉब के बारे में सोचते हैं कि यार मतलब बढ़िया है, ग्रुप बी पोस्ट है, 4200 GPA है, मेरे पास पावर होगी, फील्ड में जाऊंगा, ये सब होता है ना। फिर आपके पास जब आ जाती है एक्चुअल में जॉब, तब आपके पास कितना मतलब आप कितना डिफरेंस पाते हैं जो मैं पहले सोच रहा था और अब। तो उन्होंने आंसर दिया है कि यस सो मेनी एस्पिरेंट ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट बाय एल्योरिंग द जीपी, जीपी मतलब वही 4200 ग्रेड पे ऑफ दिस पोस्ट, बट इन रियलिटी इट इज टोटली कॉन्ट्रेरी। द वर्क कल्चर वन एफओडी मतलब जो फील्ड पे जाते हैं इज टोटली डिफरेंट। वन डज नॉट कंसिडर वन सेल्फ एज एन ऑफिसर। इफ आई वर अवेयर ऑफ दीज अर्लियर आई माइट चूज ऑडिटर और टीए ऑन दैट ईयर। तो इनका ये आंसर इस क्वेश्चन का था। इसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रीजन। तो जॉब सेटिस्फेक्शन उन्होंने मतलब 10 out of 7 रेटिंग दी है। विल यू गो फॉर एनी अदर पोस्ट इन नेक्स्ट सीजल एग्जाम? ऑफकोर्स यस, बिकॉज अगर 10 out of 10 9 होता तो एक बार सोचा भी जा सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से हर कोई चाहेगा कि मतलब इस जॉब को छोड़ करके कोई अच्छी जॉब पकड़ी जाए। तो बात करते हैं प्रोज की। तो प्रोज में क्या है, आपका नॉन एफओडी पोस्टिंग अगर मिल गई आपको, जो कि बताया था आपको कि 100 में 5 लोगों को ही मिलेगी, तो अगर वो मिल गई तो एक स्टेबल लाइफ है, ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है, 5 दिन का मैंने बताया, 5 दिन आपको जाना है 9:30 to 6। ज्वाइनिंग जो है वो हमारी 3 से 5 मंथ में हो जाएगी, जैसे ही रिजल्ट हमारा फाइनल डिक्लेयर होगा। ऑल इंडिया ट्रांसफर एंड गेटिंग होम पोस्टिंग एन इजी टास्क। और इसका जो कॉन्स है वो क्या है, फील्ड जॉब जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, आपको रूरल एरिया में जाना पड़ेगा, और मतलब कई बार तो मतलब रहने खाने की भी दिक्कत होती है, क्योंकि अपनी तरफ से मतलब सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट कोई भी मतलब आपको नहीं प्रोवाइड कराएगी। नो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, सो देयर इज अ स्कार्सली एनी पॉसिबिलिटी टू गेट प्रमोटेड थ्रू द एग्जाम, ओनली वन कैन वेट फॉर हिज टर्न। और इन द फील्ड वन हैज टू डील विद जनरल पीपल ऑफ द विलेज एक्सटेंसिवली एंड हैज टू कॉपरेट एंड नेगोशिएट विद देम। कई बार तो आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं, कई बार आपको नहीं मिलते हैं। तो इन्होंने जो जॉब रेटिंग दी है, जॉब प्रोफाइल रेटिंग, वो 7 out of 10 दिया है। दिस इज पर्सनल व्यू ऑफ सेलेक्टेड पर्सन, नॉट अ कॉमन पर्सपेक्टिव। ये अपनी बात बोल रहे हैं कि मैंने क्या रिसोर्सेज का यूज किया था अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करेंगे, तो मैथ्स में इन्होंने क्या किया, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी थे वो सारे लगाए हैं विद टेस्ट सीरीज, और जो अरुण शर्मा की जो मैथ्स की बुक है वो, और मदर्स के इंडिविजुअल मैथ बुक उन्होंने पूरी कंप्लीट की है। और इंग्लिश में इन्होंने प्लिंट टू पैरामाउंट और एसपी बख्शी और प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट सीरीज। और जेएसओ के लिए आपको 2 बुक फॉलो इन्होंने करने को बताई है, एक है केडी कैंपस और एक है तमिलनाडु बोर्ड की स्टैटिस्टिक क्लास की 11th की बुक, रीजनिंग ओनली मार्क्स, जीके लूसेंट एंड सीए ऑफ बैंकर्स अड्डा। और टेस्ट सीरीज इन्होंने 3 रिकमेंड की है, केडी कैंपस, एसएससी ट्यूब एंड क्यूमेंस। इसके बाद भी आपको अगर कोई भी क्वेरी अगर रह गई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, मैं सभी का इंडिविजुअली रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।